हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। मेरे सामने खड़ी है नई होंडा की DO 125। बिल्कुल DO 125 जो पहले देखा करते थे आप, उससे अब इसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। डीओ स्पोर्टी भी ज़्यादा दिख रही है। तो आप होंडा की जब ग्राजिया देखते होंगे, ग्राजिया 125, उसके सामने ये बिल्कुल अभी उसी को टक्कर दे रही है, क्योंकि उसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा हो गया है। ये बहुत बड़ी स्कूटर एक लग रही है। तो पहले डीओ हमारा आता था, स्पोर्टी लुक आता था, अच्छा लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं साइज़ में हम सोचते थे कि थोड़ा सा और बड़ी होनी चाहिए। वो चीज़ अब 125 में आपको देखने को मिलेगी। तो ये दो वेरिएंट्स में आती है। मेरे सामने खड़ी है स्टैंडर्ड वेरिएंट, इसका एक डिस वेरिएंट भी आता है जिसको हम HSmart के नाम से जानते हैं। तो इस वेरिएंट के बारे में हम बात करेंगे और क्या इस वेरिएंट में नहीं है जो कि SSmart यानी डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट में मिलता है, उसकी भी बात करेंगे, प्राइस बताएंगे। और ये भी जानेंगे कि 125cc में अगर आप कोई स्कूटर लेना चाह रहे हैं तो उसमें ये जो स्कूटर है वो कहाँ स्टैंड रखती है, इसमें जो आप पैसे लगाते हैं उसमें आपको कौन कौन सी स्कूटर आ सकती है, या फिर ये वहाँ पे क्या एडवांटेज लेके आएगी। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ आपको कि इस स्कूटर में आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, क्या साइज ओवरऑल और कितना प्रैक्टिकल है स्कूटर, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फ्रंट में आएंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि डीओ का एक स्टैंडर्ड है कि इसमें आपको जो है बॉडी फिटेड हेडलैम्प मिलता है। तो जब हम स्कूटर को सिर्फ की ऑन करते हैं तो हमारा ये हेडलैम्प ऑन हो जाता है। इवन हम इसको हाई बीम भी यहीं से कर सकते हैं, सिर्फ चाबी ऑन है, स्कूटर ऑन नहीं है अभी। अगर हम स्कूटर को ऑन करते हैं यहाँ पे तो भी लाइट एज सेम रहेगी, तो लाइट का जो है वो पोजीशन काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा देखिए तो इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि साइड में है, ऊपर में दिए गए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर यहाँ पे बाहर की ओर निकाला गया है। तो दो तीन तरीक़ों से इसको जो है यहाँ पे सेटअप किया गया है, जिसके कारण ये आगे से बहुत ज़्यादा मस्कुलर लग रही है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है एक साथ जो है यहाँ पे अरेंज की गई हैं। और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे इसका भी जो है ये डिज़ाइन टेक्स्चर जो है वो थोड़ा अलग लग रहा है। तो ये सभी चीज़ें इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बनाती है, पहले से ज़्यादा डिज़ाइनदार बनाती है, ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। जैसा कि मैंने बताया इसमें दो वेरियंट्स आते हैं, लेकिन दोनों वेरियंट्स में जो आपको अलॉविल है और जो आपका ये टायर का साइज़ है वो सेम रहेगा, 12 इंच का अलॉविल रहेगा। टायर का साइज़ भी यहाँ पे आपको फ्रंट में 90-90-12 मिलेगा, यानी कि 12 इंच का अलॉविल का साइज़ रहेगा। तो ये बड़ा होने से आपका हैंडल का कम्फर्ट बढ़ जाता है। डिस्क ब्लेड आपको मिलेगा इसके HSmart वेरियंट में, यानी डिस्क ब्लेड वेरियंट में। यहाँ पर आपको CBS के साथ जो है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ड्रम ब्रेक फ्रंट में ऑफर किया जाता है। इसके प्राइस का डिफरेंस भी मैं बताऊँगा यहाँ पर। अब इसका लुक भी देखिए काफ़ी अच्छा रखा गया, इसका जो ये चीज़ है काफ़ी ऊपर रखा गया है। तो कभी अगर मड में आप जाते हैं, मिट्टी में फंसते हैं, तो चक्का आपका आगे का फंसेगा नहीं, आप कहीं से भी इसको निकाल सकते हैं। और पीछे का चक्का तो किसी भी स्कूटर का कम्प्लीटली ओपन होता है। चलिए उसके आगे चलते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको ठीक ठाक मिल जाता है, कहीं भी स्कूटर टकराती नहीं है, इवन एक्टिवा और ये दोनों एक जैसी इस मामले में होती है। और इसका डिज़ाइन जो है वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर बेहतर मिलता है। चलिए ऊपर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कंसोल में क्या अपडेट किया गया है। तो सबसे पहले जब आप ओपन करिएगा तो 3 इको लाइट दिखता है यहाँ पे आपको, 1, 2, 3। ये ग्रीन लाइट जो है आपको इंडिकेट करता है कि आप कितना अच्छा स्कूटर को चला रहे हैं। तो आप जितना अच्छा चलाइएगा उतना ज़्यादा लाइट्स यहाँ पर ऑन होंगी, और ये चीज़ें अच्छी लगती है देखने में। यहाँ हाई बीम लो बीम इंडिकेटर का 2 छोटा-छोटा LCD मिल जाता है। इसमें आपको टैकोमीटर प्लस स्पीड यहाँ पर शो करेगा। और अगर नीचे वाले में हम देखेंगे तो नीचे वाले में यहाँ पर टोटल ट्रिप एवरेज ऑटोमीटर टाइम फ्यूल कितना है वो सारी चीज़ें एवरेज दिखाई देता है। और अगर आप इसके HSmart वेरिएंट में जाते हैं तो वहाँ डिस्क वेरिएंट और की का एक इंडिकेटर मिल जाएगा, यानी की का इंडिकेटर मिलता है, तो वो चीज़ उसमें एक्स्ट्रा मिलता है। बाकी सेम चीज़ ऐसा ही रहेगा, पूरा सेटअप जो है आपको सेम वैसा दिखाई देगा। हाई बीम लो बीम और पास स्विच इसी में दिया गया है, इंडिकेटर हॉर्न, क्योंकि इसमें आपको मिलता है साइलेंट स्टार्ट फीचर। तो जब भी आप ब्रेक दबा के इसके स्टार्टर बटन को स्टार्ट करते हैं तो बिना कोई अल्टरनेटर साउंड के ये स्कूटर स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत ही साइलेंटली स्टार्ट होती है। तो कोई भी किसी तरह का जो है साउंड आपको इसमें सुनाई नहीं देगा कि इंजन जो है अल्टरनेटर का साउंड कर रही है। खासकर स्कूटर्स में ये ज़्यादा करता है, इसलिए होंडा ने इसमें जो है साइलेंट स्टार्ट फीचर दिया है, ताकि ये कम से कम साउंड करके जो है स्टार्ट हो जाए। ये आती है ESP टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे तो की फीचर्स इसमें दो तरह के मिलेंगे, एक HSmart मिलेगा, एक ये नॉर्मल हमारा जो है कन्वेंशनल की मिलता है जो कि ऐसा कुछ दिखाई देता है। यहाँ पे कुछ फीचर्स जो है, फ्यूल ऊपर वाला दबाने पे, नीचे वाले दबाने पे सीट यहाँ ओपन हो जाएगा। तो उसको कहाँ पर करना होता है, तो की लगाने के बाद इसको हम हैंडल लॉक कर सकते हैं, और इस पोजिशन पर अगर हम लाते हैं तो इन दोनों को बटन दबाने के बाद हम अंडर सीट स्टोरेज ओडियो ओपन कर सकते हैं। और यहाँ जब हम इसे दबाते हैं तो ये जो है मेन हमारा इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑन हो जाता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो एक हुक मिल जाएगा, लगभग 3 kg तक का कुछ आप इस पर टांग सकते हैं। एक बोतल होल्डर है,
अच्छा खासा स्पेस मिलता है। पहले से ये ज़्यादा स्पेस है पैर रखने का, तो कोई भी आराम से इस पर पैर रखेगा उसको दिक्कत नहीं आएगी, स्पेस की कमी महसूस नहीं होगी। मैं अंडर सीट स्टोरेज और फ्यूल कैप जो है दोनों यहाँ पे ओपन कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि कितना ये फ्यूल कैप और कितना अंडर स्टोरेज जो है प्रैक्टिकल है। तो इसको हम देखें तो एक फुल साइज हेलमेट आराम से आ जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगी रखने में। उसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप रख सकते हैं, तो इतना साइज यहाँ मिलेगा। जो फ्यूल कैप है जो पहले जो हम तेल भरते थे 110 वाले में, तो इससे जो कम सीसी वाला वेरिएंट आता है, तो यहाँ पे तेल हमें अंडर सीट स्टोरेज ओपन करके जो है तेल जो है फिल करना पड़ता था। यहाँ पे तेल जो है वो बाहर दे दिया गया है, तो 5.5 लीटर के आसपास का यहाँ तेल का टंकी आता है और बड़े ही आराम से आप तेल भर सकते हैं। तो आपको अगर स्कूटर पे आपने कुछ लोड कर रखा है, कुछ बांध रखा है, तो आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो ग्रैब रेल है वो भी काफ़ी पीछे तक जाता है, तो ये जो है सीट की लंबाई में जो है वो ऐड हो जाता है एक तरह से बोले तो, क्योंकि उसको पकड़ने से जो है लोग आराम से बैठते हैं। थोड़ा सा सीट जो है यहाँ तक भी अगर आप बैठ रहे हैं तो यहाँ तक ग्रैब रेल को होल्ड कर सकते हैं, जिससे आराम से सीट पर बैठ सकते हैं। सीट की लंबाई भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिलेगी, दो लोग कंफर्टेबली, मतलब आप देखिए दो लोग से तो ज़्यादा ही जगह है ये, तो जो लोग आगे बैठेंगे जो लोग पीछे बैठेंगे सबके लिए काम का है। एक चीज़ और अच्छी है इस स्कूटर की, इसका सीट हाइट जो है वो नॉर्मल सीट हाइट से थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर मिलता है यहाँ पर देखने को। तो ये सीट हाइट जो आपको मिलेगा इसमें लेडीज़ जेंट्स सभी के लिए कम्फर्टेबल है, लगभग 5 फुट 1 इंच 2 इंच के बाद कोई भी इस स्कूटर को चला सकता है, उसको दिक्कत नहीं होगी। साइड स्टैंड यहाँ कटअप स्विच दिया गया है, तो साइड स्टैंड लगे रहेगा तो स्कूटर नहीं चलेगी। यहाँ पे हमें फुटेज देखने को मिलता है जो कि कंप्लीट स्टील है, कोई रबर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, मेंटेनेंस फ्री एक तरह से हम इसको मान सकते हैं। जो गियरबॉक्स है यहाँ पे आपको यहाँ पे किक मिल जाएगा। गियरबॉक्स का डिज़ाइन जो है पहले से अपडेट कर दिया गया है, क्योंकि इसका ये चीज़ जो है थोड़ा अंदर आता था ये अब बाहर कर दिया गया है। सॉकर 3 स्टेप एडजस्टेबल भी है, तो आप सॉकर को अपने हाइट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, पहले ये बिना एडजस्टेबल आता था। ये सभी चीज़ें जो अपडेट हुई हैं ये इसको बेहतर बनाती है। पीछे का भी अलॉय व्हील आपको देखने को मिलेगा और इसमें आपको 100 सेक्शन के आपको टायर मिलते हैं, तो 90 100 10, तो 10 इंच का मिलेगा लेकिन 90 100 का मिलेगा। इससे आपका फ़ायदा क्या होता है कि इसकी चौड़ाई जो है वो तो एक अच्छी रहेगी, प्लस इसका जो ये एरिया होता है यानी कि रबर एरिया होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, तो थोड़ा सा ये लंबा भी हो जाता है। आपका लंबाई जो है 10 इंच का है तो 10 इंच के अनुसार थोड़ा 11 इंच मान लीजिए ये हो जाता है। तो ये फ़ायदा होता है जब 90 100 सेक्शन का जो है टायर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं MRF का ही टायर कंपनी यहाँ पर ऑफर करती है। राइट हैंड साइड भी DO जो है 125 बड़े अक्षरों में यहाँ लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा, और साइलेंसर जो है वो पहले से साइज में छोटा किया गया है, तो ये आप देख रहे होंगे साइज छोटा है, बट साउंड में कोई भी अंतर नहीं है, साउंड ठीक है। क्योंकि साइलेंसर क्या होता था ना, जब बाहर बहुत निकाल दे बॉडी से, क्योंकि ये देखिए बॉडी के बिल्कुल अंदर है, तो ये बॉडी से जब बाहर होता था तो बहुत लोग का जो है वो किसी दूसरे बाइक में स्क्रैचेस लग जाते थे, टकरा जाता था, टूट जाता था मफलर। यहाँ पे मफलर जो है वो बिल्कुल अंदर कर दिया गया है, तो अब साइलेंसर किसी से टकराने वाली प्रॉब्लम नहीं है। प्लस ये आप देखिए बाहर वाला जो चीज़ था पहले जो है प्लास्टिक का आता था DO में, हमारा बहुत सारे स्कूटर्स में आती है, लेकिन यहाँ पे ये लोहे के कर दिया गया है, अंदर एक प्लास्टिक रखा गया लेकिन यहाँ पे लोहा कर दिया गया, तो कुछ टकराता भी है तो हल्के से बस स्क्रैचेज आएंगे, ये टूटने वाला नहीं है यहाँ पे। तो ये सारे फ़ायदे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और नीचे भी जो हमारा फ़ैन कूलिंग होता है, क्योंकि स्कूटर एक फ़ैन कूलिंग होता है, वहाँ पर दिया गया है और प्लास्टिक से अच्छा कवर किया गया है ताकि हवा जो है और जो साइलेंसर का हीट है वो फ़ैन तक ना पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें की बंदोबस्त जो है वो होंडा ने काफ़ी अच्छी की है, इसीलिए माना जाता है कि अगर आप एक अच्छे ब्रांड की जो है स्कूटर या 2-व्हीलर 4-व्हीलर कुछ भी लेते हैं तो उसमें ये सारे फीचर्स जो है उसको काफ़ी बेहतर बनाती है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो अपडेट की गई हैं DO में आज की डेट में DO 125 में, वो काफ़ी ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अब बात करते हैं कि कितनी वैल्यू फॉर मनी ये स्कूटर है, तो इसका जो एक्सरूम प्राइस आता है यानी कि स्टैंडर्ड वेरियंट का वो 87,500 के आसपास आता है। तो ये प्राइसिंग एक्सरूम रखी गई है स्टैंडर्ड वेरियंट की। इससे जो तीन चीज़ें आपको लगभग ज़्यादा मिलती है जो प्रैक्टिकल हैं, डिस्क ब्रेक इसमें ज़्यादा मिलता है और HSmart की फीचर्स के साथ जो मिलती है और थोड़े मोड़े इंडिकेटर्स जो आपको ज़्यादा मिलेंगे, उसके साथ जो प्राइस आएगी आपकी इसके ऊपर वाले वेरिएंट की जो कि HSmart आप बोल सकते हैं या फिर इससे थोड़ा स्मार्ट वेरियंट बोल सकते हैं, उसका आता है 95,000 something rupees। तो ये एक्सरूम प्राइस आती है। अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग इस स्कूटर का यानी स्टैंडर्ड वेरियंट का ऑन रोड प्राइस 1,00,000 से 1,05,000 रुपये तक जाएगा, और जो इसका डिस्क वेरिएंट है उसका जो ऑन रोड प्राइस जाएगा वो जाएगा लगभग 1,10,000 रुपये से 1,15,000 रुपये के बीच में, या फिर 1,14,000 के आसपास तक ही जाएगा। तो ये प्राइसिंग हो जाती है इस स्कूटर की यानी कि DO 125 की, जो कि आज के डेट में आपको बहुत सारे फीचर्स और बहुत
स्मार्टली इसको अपडेट किया गया है और E20 के साथ भी आती है। तो ये सारे फीचर्स, ये सारे अपडेट्स के साथ मुझे आज के रेट में काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लग रही है। सबसे अच्छी बात होगी कि आपको एक अगर स्मार्ट दिखने वाला, एक सुंदर दिखने वाला स्कूटर चाहिए तो उस तर्ज पे हम DO 125 को देख सकते हैं। तो अगर आपको इसको देखना है या फिर चलाकर देखना है तो आप अनामिका होंडा हाजीपुर आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर कॉल कीजिए, बात कीजिए, टेस्ट राइड लीजिए और मुझे भी बताइए कि आपको स्कूटर कैसी लगी। बाय बाय।